वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर शहर के अंदर बिना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाए चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नाबालिग बच्चों और बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहे चालकों के विरुद्ध भी यातायात नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान टीआई मनोज राय, टीआई धर्मेंद्र सिंह व टीआई अजीत पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको लगातार एक महीने से चिल्लाया जा रहा है कि गाड़ी में नंबर लगवाना क्यों नहीं लगवाना, इसका काम क्या लगा है? टीआई साहब बता रहे हैं, सीओ साहब बता रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके बाद भी आप एक एक महीने बाद आप बिल्कुल मौत नहीं रखने की काले से निकलवाए हो, इसको लान से निकलवाना है, जिस तरह से माता निकाले, तुम्हें काला कौन बता दिया, अपने मन से निकली है, ये फर्जी वाला है यार, फर्जी वाला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तथा आम जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों के ऊपर के कार्य कर रही है। इस संबंध में सबसे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और अभी भी चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए बताया जा रहा है। गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करके पार्किंग, जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है नगर निगम के द्वारा, उसमें खड़ा करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। बाकी जो यातायात के तहत जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलने के लिए ही लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने का भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है। इसी तरह से अन्य भी अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कोई नाबालिग ऑटो रिक्शा या कोई गाड़ी ना चलाए, इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में यूनियन के सदस्यों के साथ भी मीटिंग करके उनको जागरूक किया गया है कि नाबालिग ना चलाएं, और जो लोग चालक हैं उनके पास जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर हो। तो ये सारी कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है, और उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।